तो आज मैं जिस मूवी लेकर आया हूँ ना आपके लिए, भाई साहब एक नंबर मूवी है। तो यामिन हम देखने वाले हैं कि एक लड़का है जो कि अपनी कॉलेज की फीस ना दे पा रहा, क्योंकि बेचारे की जिंदगी में एल लगे पड़े हैं, पैसा बिल्कुल भी ना भाई की जेब में। अब अपनी इन्हीं परेशानी ना दूर करने के लिए भाई कॉल बॉय को काम करे, और यह काम मैं तो खैर तुम्हें पता ही है कि अपनी तो बड़ी हो या छोटी हो सबके साथ घपाघप करना पड़े। और मेरे कई सारे ठर की भाइयों की तो ये ड्रीम जॉब भी होगी है ना। तो चलो यार बिना और कहीं फालतू बकचोदी की अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें। ओए अरे गेट लगा जा यार, तू गेट खुला छोड़ दो साला कुत्ता, आराम जा दो। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम लोग रियो नाम के एक लड़का है देखे। अब भाई शरीर तो और शकल तो देखने में तो भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा दिन में 3-4 बार तो हिलाता ही होगा। कहानी में अब हम आगे पता पड़े कि भाई ये ना एक बार में काम करा है, क्योंकि वह के पास वाकी कॉलेज की फीस देने के लिए बिल्कुल भी पैसा ना है, और वो अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका है। अब रियो की यह हालत के दो कारण है, पहला वह का मम्मी जो कि छिनाल ही अपने गाँव की सबसे बड़ी, और दूसरा उसका पापा जो कि भड़वा रंडीबाज था। अब उन दोनों की गलत आदतों की वजह से रियो ने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया हो, और फिर जेब में पैसा ना होने की वजह से भाई की जिंदगी बहुत ही बुरी गुजर रही है। अब एक दिन बार में रियो को एक फ्रेंड रहे जो का नाम नाकामुरा है, वो यहाँ पे बार की जो ओनर है वह अपने साथ लेके आवे, और हमें यहाँ पे पता पड़ा है कि भाई ने तो बार की ओनर ही सेट कर रखी है। देख रहे हो भाई का टैलेंट, फ्री की दारू और फ्री का मुर्गा तोड़ने के लिए बार के ओनर को ही सेट कर लिया। अब मैं तुम्हें बार के ओनर का नाम भी बता दूं, उसका नाम सिजुका था। अब तुम्हारे दिमाग में आ गई डोरेमोन वाली सुजुका है क्या? नहीं भाई वो नहीं है। हाँ पर लेकिन उसी सुजुका से मिलती जुलती है साली गोल्ड डिगर है, जिसके पास पैसा और बड़ा हथियार दिखा नहीं उसके पास भागी नहीं। अब नाकामुरा और रियो सिजुका को इम्प्रेस करने के लिए एक ड्रिंक बनाते हैं, और जिसकी ड्रिंक सबसे अच्छी होगी सिजुका उसके साथ कमरे में जाएगी। हमारा रियो भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है हिलाने में। अब मुझे पता है तुम लोग कुछ और गलत सोच रहे होगे साले गंदे दिमाग वालों, पर भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा रियो हार जाता है और नाकामुरा ये जीत जाता है, और सिजुका नाकामुरा के साथ कमरे में चली जाती है बेड पे सोने के लिए। पर जाते जाते सिजुका रियो के लिए कार्ड भी छोड़ जाती है, और उस पे लिखा था कि बार के बाहर मैं तुमसे मिलने वाली हूँ। अब यहाँ पर ये बात देखकर रियो बाहर जाता है, और वहाँ पे सिजुका खड़ी हुई थी अपनी कार लेके। रियो सिजुका के साथ उसी कार में बैठ के निकल जाता है। अब भाई जैसे ही ये दोनों घर पहुंचे हम देखे हैं कि जो सिजुका है रियो के सामने कपड़ा उतारने में लग रही है, और रियो भी लग रहा है कि भाई अब तो कुछ होने वाला है। तो हमारा रियो भी जोश में और गर्मी में वो भी अपने कपड़े उतार देवे। हमारा ठरकी रियो सिजुका से पूछता है कि तुम पहले कपड़े उतारोगे या फिर मैं उतारूं, पर लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। सिजुका रियो से कहती है कि ये मेरी बेटी है सकुरा, और तुम्हें इसके साथ ही करना पड़ेगा, और मैं तुम दोनों को ये करते हुए देखूंगी। अब ये बात छोड़कर रियो कहता है यार मैं तुम्हारे सामने कैसे करूंगा, पर बाद में कहता है हटाओ यार से झुका बिझुका को, सकुरा पे फोकस करो। अब क्योंकि हमारा रियो भाई पहली बार किसी की सील तोड़ने वाला था, तो वो सिजुका की चिंता ना करते हुए सकुरा के साथ उसी के सामने उसी की बेटी के साथ घपाघप करता है। तो अब जब हमारा रियो हल्का हो जाता है तो सिजुका उसे ये काम करने के पैसे दे देती है, और कहती है कि तुम इससे और भी अच्छा कर सकते थे। भाई ये सीन देखने के बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया वो ये था कि यार कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बेटी के साथ ये सब करवाएगी, और वो भी अपने ही सामने। वैसे एक बात तो है, ये साले चाइनीज लोग मूवी बहुत ही वियर्ड बनाते हैं। अब रियो की खोदने की कैपेसिटी को देख के सिजुका उसे एक ऑफर देती है। तो भाई ऑफर में ना ये था कि सिजुका रियो से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा एज ए कॉल बॉय। अब रियो इस बारे में कुछ सोच के हाँ कर देता है, क्योंकि भाई को खोदने में तो मजा आ ही रहा था, साथ साथ भाई को पैसे भी मिल रहे थे। इसके बाद कहानी में हम देखते हैं कि रियो का ना एक फोटोशूट होता है, और उसको कुछ कपड़े भी दिलाए जाते हैं जो कि ब्रांड न्यू कपड़े थे डायरेक्ट जारा एडिडास और नाइक के शोरूम से। भाई साहब किस्मत हो तो ऐसी, मतलब यार तुम्हें खोदने के लिए पैसे भी दिए जा रहे हैं, तुम्हें ब्रांडेड कपड़े भी पहनाए जा रहे हैं, और हाई प्रोफाइल लड़कियां भी मिल रही हैं, और उन लड़कियों में कुछ तो नई नवेली भाभियां भी थी। अरे हाँ एक बात तुम लोग ध्यान में रख लेना कि मेरा यहाँ पे खोदने से मतलब कुछ और है, कहीं तुम लोग ये समझो कि रियो को तो खेत खोदने का काम मिला है। नहीं भाई उसे छेद खोदने का काम मिला है। या के बाद हम देखें कि रियो का एक ब्लड टेस्ट भी किया जाता है कि कहीं भाई को कोई बीमारी तो नहीं है। अब सारी चीज अच्छे से ठीक होने के बाद रियो को उसके पहले काम पे भेजा जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक भाभी से होती है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी कसम से। अब यहाँ पे ना रियो उसके साथ वो सब नहीं करता, वो उसके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता है, जिसके बाद उस लड़की को रियो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो लड़की रियो से पूछते कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है, तो रियो बताता है कि मुझे तुम्हारे जैसी भाभियां पसंद है। अब ये बात सुनकर उस लड़की को रियो बहुत ही पसंद आता है, पर लेकिन उसे कुछ काम आ जाता है तो वो वहां से चली जाती है। पर रियो को लगता है कि वो लड़की उससे नाराज होकर चली गई है। इसके बाद जब रियो घर आ रहा होता है तभी वहां पे उसे सिजुका का फोन आता है।
शिजुका उसे कहती है कि वो लड़की फिर से तुमसे मिलना चाहती है। अब जब रियो दूसरी बार उस भाभी से मिलने के लिए जाता है, भाई साहब उसने कसम से इतने मस्त कपड़े पहने हुए थे जिसके बाद रियो से डटा नहीं जाता, और वो दोनों एक रूम में जाके बहुत ही जोर से घपाघप करते हैं। जिसके बाद शिजुका को भी रियो का काम पसंद आता है और वो रियो को उसकी पहली इनकम देती है, जिसे देखकर रियो खुश हो जाता है क्योंकि भाई साहब उसने पहली बार इतने सारे पैसे देखे थे इतना छोटा काम करने के बदले में। अब अगले दिन हम देखते हैं ना कि रियो को ना एक औरत बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और उस औरत को भी रियो बहुत पसंद आता है, और वो रियो के साथ एक डेट पे जाती है जहाँ पर ये दोनों बातें करने में इतने ज्यादा लुप्त हो जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बोल ही नहीं पाते कि वो लोग भाई किस काम के लिए आए हैं। अब बातों ही बातों में वो औरत रियो से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है कि वो उसके साथ अब इंटीमेट नहीं होती और वो उसे एक्स्ट्रा पैसे देके निकल जाती है। अब ये बात जैसे रियो शिजुका को और सकुरा को बताता है तो शिजुका उससे पूछते है कि तुम में ऐसा क्या है, तो रियो बताता है कि मैं औरतों की फीलिंग्स को समझता हूँ और उनके साथ साथ और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता हूँ जिसके साथ उनको ऐसा ना लगे कि मैं कोई प्ले बॉय हूँ, उनको बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि मैं उनका कोई जानकार हूँ, जिसके बाद वो सभी औरतें मेरे से अट्रैक्ट हो जाती हैं। अब रियो की बात इतने पूरी ही नहीं होती कि शिजुका रियो को अपने गले से चिपका लेती है और वो धीरे से उसके कान में कहती है कि आज रात को तो हम भाई साहब पूरा पलंग तोड़ देंगे क्योंकि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, तुम्हारे जैसा लड़का मैंने अपनी पूरे करियर लाइफ में नहीं देखा। तो भाई ये था फर्स्ट पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है इससे भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा है और उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने सेकंड पार्ट का लिंक डाल दिया है, उसे जल्दी से जाके देखो, मिस मत करना। फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।